नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी है स्कोडा लॉरा 2.0 लीटर TDI, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन फॉल्ट के बारे में, जो स्पेशली ये जो इंजन लगा है 2 लीटर वाला, इसके अंदर रहता है। आप देख सकते हैं ये वाला इंजन कई गाड़ियों में आता है, जैसे आपका जेटा, सुपर, पसाट और ऑडी में भी कई एक ऑडी हैं जिनके अंदर ये इंजन लगा हुआ है, जैसे ऑडी Q3 उसके अंदर भी 2 लीटर का इंजन लगा हुआ है। तो दोस्तों मोस्टली मैंने देखा है इस वाले इंजन के अंदर, इसके अंदर एक फॉल्ट कोड आता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का, और उसकी वजह से होता यह है कि गाड़ी के अंदर चेक लाइट रहेगा और हो सकता है आपका AC काम ना करे। और एक प्रॉब्लम और आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है इसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो डायरेक्ट हो जाता है, इसका जो फ़ैन है वो डायरेक्ट हो जाता है। तो कुछ यही इस गाड़ी के साथ भी हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं इसका भी AC निकला हुआ रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस गाड़ी में हुआ था फ़ैन डायरेक्ट, कूलेंट टेम्परेचर का फॉल्ट आ रहा था क्लाइंट का ऐसा कहना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ये इस गाड़ी का ECM है। इसके अंदर प्रॉब्लम केवल थी कूलेंट टेम्परेचर की, कूलेंट टेम्परेचर का फॉल्ट आ रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं ECM दिखने में भी काफ़ी साफ सुथरा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई रिपेयरिंग हुई है इसके अंदर। लेकिन क्लाइंट का कहना है कि केवल इसके अंदर फॉल्ट कोड कूलेंट टेम्परेचर का आ रहा था, उसके बाद में उसने इसे रिपेयरिंग के लिए दिया, लेकिन रिपेयरिंग के बाद में गाड़ी बंद पड़ गई और गाड़ी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी इसका ECM लगा के, अभी इसका फ़िलहाल इग्निशन बंद है। तो दोस्तों चलो ECM को गाड़ी के अंदर लगाते हैं और देखते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले इस वाले को लगाते हैं और इसे इसमें पकड़ते हैं, भाई इग्निशन ऑन करने से, इग्निशन ऑन कर और अभी इसका इग्निशन ऑन करवाते हैं। कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही इग्निशन ऑन कर रहे हैं थोड़ी देर बाद इसके फैन डायरेक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। कुछ भी नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली इसके फैन डायरेक्ट हो गए, और मैं इसे नीचे रखता हूँ, अंदर भी दिखा देता हूँ क्या सीन हो रहा है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक लाइट वगैरह आ रहा है, लेकिन इसके फैन डायरेक्ट हो रहे हैं और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं आपको सेल्फ लगा के भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हमारी नहीं हो रही है। अभी मैं इसका इग्निशन बंद कर देता हूँ। और एक प्रॉब्लम और भी है इसके अंदर, प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर स्कैनर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद आप लोग सुन पा रहे होंगे, यहाँ से इसका जो रिले है वो भी आवाज़ कर रहा है, रिले कट कट कर रहा है। तो अभी मैं इस ECM को हटा देता हूँ, और मैंने इसके अंदर दूसरा ECM को काम किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने हटा दिया, पहुँच
ये ईसीएम है जो हमने इसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है, पैक करके रखा हुआ है क्योंकि अभी क्लाइंट को भी दिखाना है और बरसात भी कभी भी हो सकती है यहाँ पे, तो इसे लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सीन आता है। ये मैंने लगाया, इसे भी लगाता हूँ मैं और इसे थोड़ा सा अंदर करते हैं इस तरीके से। और अभी चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, सही नहीं दिखाने केवल मीटर मीटर बोलूँ तब मैं, तो अभी मैं करता हूँ इसका इग्निशन ऑन। नोकी क्यों दिखा रहा है भाई, शायद चाबी इसकी सही से नहीं लगी है। दोबारा से इग्निशन ऑन करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक लाइट इसका आ रहा है, ग्लो प्लग का लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है और ये वाला लाइट भी इसका ब्लिंक कर रहा है जो टेम्परेचर दिखा रहा है -15.5°C। तो हो सकता है जो उसका जो आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर है वो निकला हुआ हो। और अभी मैं करता हूँ गाड़ी स्टार्ट, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि जो इसे हमने प्रोग्राम किया है ईसीएम ओके है। और बाकी का इसमें कुछ लाइट्स आ रही हैं, ग्लो प्लग की लाइट है, स्टीयरिंग वाली है और ये यहाँ पर आ रही है एयरबैग की और यहाँ पर है आपका ट्रैक्शन। तो ये तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा क्यों आ रही है, ये शॉर्ट आउट हो जाएंगे। बाकी का इसका जो प्रॉब्लम था मेन वो था ईसीएम का, ईसीएम इसका कम्प्लीटली डेड हो चुका था। और जितने भी मेरे भाई हैं जो ये काम करते हैं उन्होंने देखा भी होगा, ये मेरे पास ऐसा सेकंड केस आया है जिसमें फ़ैन डायरेक्ट हो गया है कम्प्लीटली और स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा, और आप बोल सकते हो कि ईसीयू कम्प्लीटली डेड है। तो ऐसा ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, हो सकता है ईसीएम के अंदर पानी वगैरह चला जाए या रिपेयरिंग के दौरान भी हो सकता है, अगर कुछ गड़बड़ी होती है रिपेयरिंग के दौरान तो हो सकता है ईसीएम डेड हो जाए। और एक और रीज़न होता है इस तरीके का, अगर गाड़ी में देखने को मिल रहा है तो हो सकता है ईसीएम का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए। तो अगर जो भी 2 लीटर वाली गाड़ियां हैं बीडब्ल्यू ग्रुप की, भले ही वो ऑडियो स्कॉडा या वॉक्सवैगन, तो अगर इस टाइप की कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले आप वायरिंग चेक कर लें, अगर कूलेंट टेम्परेचर का फॉल्ट आ रहा है तो डायरेक्टली ईसीएम रिपेयर ना कराएं, सबसे पहले आप वायरिंग चेक करें, अगर वायरिंग ओके है तो सेंसर बदल के देख लें। और ये सारी बेसिक चीज़ें जब आप चेक कर लें तो उसके बाद ही आप ईसीएम को दें रिपेयर कराने के लिए, अदरवाइज़ हो सकता है कोई छोटी मोटी दिक्कत हो और ईसीएम तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।